मॉर्निंग क्लास 10, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। स्टूडेंट, आप कंप्यूटर का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर कर दिया था दो लेक्चर में। करेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता दिया था एंड BCD कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज आपको मुझे बताना था ABCDIC कोड। तो इसमें क्या होता है, इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, ABCD कोड इज दैट ओनली 64 मतलब 2 की पावर 6 डिफरेंट कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट। दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर प्रोवाइडिंग डेसिमल नंबर फॉर 10। मतलब ये जो ABCD कोड है 6-bit है, ये क्या होता है 6-bit का, जो कि इसका मैक्सिमम 64 कैरेक्टर को एनकोड कर सकते हैं। और इसमें जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है इसकी लिमिट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि कंप्यूटर में इसमें कोई भी मतलब इससे मैक्सिमम कैरेक्टर का यूज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 डेसिमल डिजिट जिसमें 26 जो होते हैं स्मॉलर केस में आते हैं अल्फ़ाबेट A to Z, 26 बड़े केस में अल्फ़ाबेट आते हैं बिगर अल्फ़ाबेट A to A to Z, और सब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमा परसेंटेज डॉलर एस्ट्रिक प्लस माइनस ये सब आते हैं। और ABCD कोड की जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज करने के लिए 6-bit कोड में इसके जो होते हैं 6-bit कोड में टू जोन को ऐड कर देते हैं 6-bit कोड में। टू जोन क्या होते हैं, जैसे इसमें आपने जैसे 00 को ऐड किया, 01010 ए आपका 2 जोन है, तो इसमें 2 जोन को आप BCD में ऐड कर दोगे। ठीक, तो ये आपका 2 जोन था, इसको ऐड करते हैं। वेरियस कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट्स होती है, मेंशन अबव दिस आल्सो अलाउ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स एंड सेवरल नॉन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। द कंट्रोल कैरेक्टर्स आर यूज टू कंट्रोल सच एक्टिविटीज एज प्रिंटर वर्टिकल स्पेसेस एंड दिस इज द अल्फाबेटिक एन्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन ABCDIC along with their hexadecimal equivalent। तो इसमें जो होता है ECBDIC का फुल फॉर्म जो होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ये इसका फुल फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ABCDIC कोड। तो इसमें जो भी शॉर्ट फॉर्म में होता है कोड, ये जो कोड होते हैं BCD कोड आपका 6-bit का था एंड ABCDIC कोड जो है वो 8-bit होगा। 8-bit सपोज दैट आपके पास 256 है, जो 256 ऑल ऑफ द 256-bit कॉम्बिनेशन हैव नॉट इट बीन असाइंड करेक्टर्स, हेंस द कोड कैन स्टिल ग्रो एज न्यू रिक्वायरमेंट डेवलप सम करेक्टर्स एंड देयर ABCDIC कोड आर एज अलाउड। इस कोड में क्या होता है, जो आपका 8-bit कोड होता है उसमें 2 की पावर 8 उसको हम लिख सकते हैं 256 को जब आप वो करोगे तो 2 की पावर 8 इट मीन्स 2 की पावर 8 जो है वो कितना टाइम्स लिखा गया है, आप लिख रहे हो 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, इसका मतलब होता है आप 2 8 टाइम्स लिखा गया है, आप लिख कर 2 8 टाइम्स लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। इसमें जो होते हैं 8-bit के होते हैं ठीक कैरेक्टर्स, तो इसमें बाइनरी में प्रेजेंट कर सकते हैं। इस कोड को IBM कंपनी ने डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था, IBM कंपनी ने किया था। एंड ABCDIC कोड जो होते हैं वो 8-bit में, फर्स्ट 4-bit जो होते हैं जोन बिट में होते हैं, फर्स्ट 4-bit जो है आपका जोन बिट, देखिए जैसे जोन बिट आपका है, यू कैन सी दैट जोन बिट, दिस इज द जोन बिट, ए देखिए आपका ये क्या है, ए आपका जोन बिट है, दिस इज़ द जोन बिट, कितने हैं फर्स्ट चार इज जोन बिट, तो मतलब 1100 जोन बिट एंड डिजिट, एंड जो लास्ट के 4 होते हैं बाद के वो करेक्टर का बाइनरी वैल्यू होती है, क्या होती है लास्ट 4-bit करेक्टर बाइनरी वैल्यू। कोड जो जिस कोड के थ्रू प्रेजेंट करते हैं करके जाने वाले करेक्टर कई टाइप्स के जोन में बटे होते हैं, मतलब बट्टी मतलब डिवाइड होना, एक जोन के करेक्टर की जोन बिट जो होती है इक्वल होती है,
यू कैन सी दैट जोन नंबर वन ए का आप देख सकते हो, इसमें कैरेक्टर इसमें बिट जो होती है इक्वल होती है 1100, और इसमें डिजिट में देखिए बटे वो इक्वल है, डिवाइड है 0000001, एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में इसको क्या लिखोगे C1, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कैरेक्टर में, इसमें यही होगा सब में इक्वल रहेगा। आप देख सकते हो जो ए जोन इक्वल डिवाइडेड है सभी जोन में क्या है इक्वल, कहाँ तक इक्वल है आई तक इक्वल है, देन उसके बाद अलग है। एंड इस प्रोसेस में ए आपका क्या है बाइनरी फॉर्म में लिखा गया, किस में बाइनरी क्यूडेट किया गया है बाइनरी फॉर्म में, तो बी के लिए 0010 इसकी हेक्साडेसिमल में क्या लिखोगे C2। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एंड जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर के लिए ये सारे इक्वल होते हैं, और उसके बाद ई आपका बाइनरी सिर्फ 0 to 1 ही होता है, एंड एस टी जेड तक के लिए इक्वल, उसके बाद 0 and 1 के लिए डबल, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो आप कहेंगे 1 1 2 3 D and 4 हेक्साडेसिमल में होता है, तो ये यही लिख कर लेकर चलेंगे। ओके तो अब तक ही लिखते हैं। एंड जैसे आपको निकालना 149, 149 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 1 की बिट लिखनी पड़ेगी। तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए 1 की क्लियर क्या होती है, जोन 1 के लिए जोन इक्वल होता है 0 and 1 की जो जोन होती है इक्वल होती है क्या होती है 4 times 1 इसकी 1 होती है जोन, ये आप यहाँ देख सकते हैं 1 1 1 1 4 टाइम्स लिखा, इसका 0 होता है 0 का 0 0 0 0 4 टाइम्स, और इसका क्या होगा वही 0 0 0 1। तो ये जोन हो गया और इसकी डिजिट, ठीक। तो इसमें लिखना आपको 149, 149 का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये पहले क्या लिखना है 1 का लिखने के लिए एक एक डिजिट का लिखोगे, 1 का होता तो पहले जोन लिखोगे 4 times, उसके बाद 0 digit 0 0 0 1, एंड 4 का लिखने के लिए आपका 4 का क्या होता है 1 1, 4 का भी लिखने के लिए आपका यही डिजिट जो कि इक्वल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉरी 1 1 4 times 1, एंड ए देखिए 4 का ये आपका ए वाला डिजिट है दिस इज, तो ए हो जाएगा 0 1 0 0, एंड 9 के लिए आपका हो जाएगा 4 times 1, 4 times आपने 1 लिखा, देन 9 की वैल्यू आपने लिख दिया 1001। तो ई आपका किस में लिख गया है ई बी सी डी आई सी फॉर्म में, तो इसको आप लिख सकते हो 149 को, देन इसके आगे ये सारे आंसर आपको एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। होप सो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या होते हैं 4 digit जो इक्वल जोन होती है उसके नंबर्स होते हैं, ठीक। ओके क्लास, तो ऐसे पी रैम के लिए भी लिखेंगे, पी रैम के लिए तो आपको पी अल्फ़ाबेट, तो वो पी अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, ए का देखना पड़ेगा, आर ए एम का देखना पड़ेगा, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स वही लिखेंगे, ठीक। नाउ ASCII कोड्स क्या होते हैं, ASCII कोड आपके क्या होते हैं ASCII, ASCII कोड क्या होते हैं, ASCII कोड जो होते हैं ये क्या होते हैं अनदर कंप्यूटर कोड विच इज वाइडली यूज इन द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII हैज़ बीन अडोप्टेड बाई सेवरल अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, कहाँ से अडोप्टेड किया गया है सेवरल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर से, मतलब एक अमेरिकन कंप्यूटर से, एज देयर कंप्यूटर इंटरनल कोड, दिस कोड इज़ पॉपुलर इन डेटा कम्युनिकेशन। यह कोड किसके लिए पॉपुलर है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू रिप्रेजेंट डेटा इंटरनली इन माइक्रो कंप्यूटर्स। ASCII इज फॉर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज ASCII 7 एंड ASCII 8। ASCII 7 इज अ 7-bit कोड, कितने बिट की कोड होते हैं 7-bit की, जो कि अलाउ करते हैं 128 मीन्स 2 की पावर 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को अलाउ करते हैं, एंड द फर्स्ट 3-bit आर यूज एज जोन, इसकी फर्स्ट 3-bit जो होते हैं वो यूज होते हैं जोन में, एंड द लास्ट 4-bit इंडिकेट द डिजिट, और लास्ट 4-bit क्या इंडिकेट करते हैं डिजिट को। माइक्रो कंप्यूटर यूजिंग 8-bit या बाइट ग्रुप ऑफ 8-bit फॉर 1-byte, 1-bit को मतलब 1-bits को 1-byte कहा जाता है, 8-bit को 1-byte कहा जाता है, यूज द 7-bit ASCII बाय लीविंग द लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट बिट ऑफ ईच बाइट एज 0,
फर्स्ट बीट ऑफ ईच बाइट मतलब लेफ्ट मोस्ट में वो क्या करता है, जीरो ही छोड़ता है। टेबल सो अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर या आस्की 7 नोटेशन। आस्की 8 इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आस्की 7। इट इज़ एन 8 बीट कोड विच अलाउ 256 टू की पावर 8 एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स रादर देन 128। सो इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म हो गया, जिसे कहाँ से अडॉप्ट किया है भी आपको जान गए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ से इसको क्या किया गया, अडॉप्टेड किया गया कब, 1963 में इनकोडिंग के लिए क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद मैनी कंप्यूटर्स में इसको क्या किया, कंपनियों ने अपने कंप्यूटर में इसको इंटरनल कोड के उसमें इसको ASCII कोड का चॉइस किया। आज के समय में सबसे मोस्टली जो यूज होने वाला कंप्यूटर कोड है वो आपका ASCII कोड टू टाइप्स के होते हैं, 7 बिट का होता है ASCII कोड, एक 8 बिट का होता है। 7 बिट ASCII कोड जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 2^7 इज इक्वल टू 128। अभी मैंने बताया कितने होते हैं, 2^7 इज इक्वल टू 128 होते हैं, एंड 8 बिट का होता है और 2^8 इंटू 256, ये आपके 8 बिट का होता है। एक ASCII जो कोड होते हैं वो होते हैं 7, और 7 बिट का होता है। एक ASCII कोड जो होता है वो होता है 8 बिट का। ओके क्लास, तो ये जो होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकता है। इसमें जो 7 में होते हैं उसकी फर्स्ट बिट जो होती है 3 जोन की होती है, एंड 4 बाद में जो 4 बिट होती है कैरेक्टर का बाइनरी वैल्यू होती है। कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू जैसे सपोज दैट 1 की बाइनरी वैल्यू 0001, एंड इसकी जो फर्स्ट होती है उसकी हो जाएगी 011, ये 3 बिट हो गई, और लास्ट की 4 जो होती है कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू होती है। ओके क्लास, इसे बोलते हैं कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू। एंड 8 बिट में जो होती है 2^8 होती है, इसमें फर्स्ट जो होते रहते हैं वो आपके उसमें आ गए, एंड लास्ट के जो आ गए इसमें भी सपोज उतना ही होता है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट 4 जो होते हैं वो जोन में आते हैं, एंड लास्ट 4 जो होते हैं कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू होती है। तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ASCII को जो होते हैं आल्सो यूजेस होते हैं कहाँ, हेक्साडेसिमल S421 सो नोटेशन फॉर मेमोरी टर्म। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर 00 में जैसे 3 डिजिट ही यूज किया है, 3 बाय बिट यूज किया है 011 जो लास्ट 4 बिट जो यूज किया है वो बाइनरी वैल्यू, एंड हेक्साडेसिमल इसका इक्विवेलेंट हो गया 30। 1 का भी ऐसे 011 एंड 001 सपोज दैट ऐसे ही सारे होंगे। अब आप देखोगे तो ये सारे ऐसे ही किए जाएंगे। तो जैसे इसमें कोड फॉर 29 के लिए निकाला गया, तो 2 के लिए पहले लिख दोगे 7 बिट, तो 2 के लिए क्या होता है, 2 में यहाँ देख सकते 011 011 को लिखा आपने, उसके बाद 0010 को लिखा। 9 के लिए क्या लिखा, 011, उसके बाद 9 का कोडिंग क्या है 1001। तो ऐसे आप इसमें करोगे हेक्साडेसिमल में 8 बिट के लिए, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके क्लास, तो इसे आप देखिए और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। 9 अब आपका लास्ट बच्चा बाइनरी अर्थमेटिक। ओके, थैंक यू।